नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र। सांस फूलने की समस्या क्या होती है, सांस क्यों फूलती है और सांस जब हमें फूलती है तो हमें एक डिफ्रेंशिएशन करना होता है कि ये हार्ट अटैक की वजह से तो नहीं है, फेफड़ों की कोई बड़ी बीमारी की वजह से तो नहीं है, या फिर कई बार हमें ऐसी दिक्कतें आती हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, जैसे लंग कैंसर तो नहीं है, या एक कॉमन बीमारी जैसे कि एनीमिया तो नहीं है। तो ऐसी कौन सी बीमारियाँ होती हैं जिनमें हमें सांस फूलने की दिक्कत होती है। जैसे थोड़ा बहुत चला फिरा, सीने में आपको जलन हुई, सीने में आपको दर्द हुआ, गैस बनी, या इसके अलावा आपको सांस फूली, तो आपको क्या होता है कि घबराहट बेचैनी होने लगती है, आपको चिंता होने लगती है। इसके अलावा जब भी आप थोड़ी बहुत सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, जब भी आप छत पर जाते हैं या आपको मार्केट में जाना है, थोड़ा बहुत समय के लिए जाना है, तो ऐसी स्थिति में जब आपको लगता है कि हमें थोड़ा बहुत चलने पर ही सांस फूलने लगती है, सांस फूलने की दिक्कत होती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में डिस्निया कहते हैं, अगर ऐसी शिकायत आपको है, ऐसी दिक्कत आपको है, तो कौन सी बीमारियां आपको हो सकती हैं या कौन सी कारणों की वजह से आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारी चीज़ों पर फोकस करेंगे और समझेंगे किस तरीके से सांस फूलने की समस्या से हम बाहर आ सकते हैं। आपने देखा होगा नॉर्मली जब हम गाड़ी को अगर नॉर्मल ड्राइव करते हैं, अच्छे सड़क पर अगर ड्राइव करते हैं और उसमें पूरी मात्रा में फ्यूल है और उसमें ऑयल भी पूरी मात्रा में है, तो गाड़ी को कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हम गाड़ी में फ्यूल प्रॉपर तरीके से डलवाते हैं लेकिन उसमें हम ऑयल प्रॉपर तरीके से नहीं डलवाते हैं, ऑयल आज ख़त्म हो गया और हम 2 महीने तक गाड़ी को बिना ऑयल के चला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी गाड़ी की इंजन की जो अंदर की जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी और आपको दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो प्योर ऑयल देना गाड़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा प्योर फ्यूल देना भी गाड़ी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी प्रकार से हमें हमारी बॉडी के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, वो देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आपको सांस फूलने की समस्या जो आपको हो रही है उस चीज़ से आप बच सकते हैं अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो मैं कॉमनली एग्जांपल जो आपको दे रहा हूँ वो बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि आजकल विदाउट नॉलेज के, विदाउट इन्फॉर्मेशन के आप काफ़ी सारी चीज़ों को खाते रहते हैं या सेवन करते रहते हैं या फिर आप अवॉइड करते हैं, या कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर आपका ध्यान नहीं होता है, तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सांस फूलने की प्रक्रिया है क्या, सांस फूलना होता क्या है। तो जब भी जैसे मैं अपने ऊपर अगर एग्जांपल आपको दूं, तो कोई मरीज है या फिर मैं अगर मान के चलिए सीढ़ियाँ चढ़ने जाता हूं या घूमने के लिए जाता हूं, तो मेरी सांस जल्दी जल्दी हाँफनी भरने लगती है मुझे, मैं करूँगा, इसको बोलते हैं सांस फूलना, राइट। तो अगर किसी को सांस फूलने की शिकायत है तो उसको कुछ कॉमन रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर बात करें एनीमिया, खून की कमी की वजह से भी कॉमनली आपको सांस फूलने की दिक्कत होती है। खून की कमी में क्यों होता है, क्योंकि जब भी पेशेंट को खून की कमी होती है तो उस मरीज को ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर नहीं होगी तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अब एक एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब हम सांस ले रहे हैं तो सांस लेते वक्त हमारे अंदर ऑक्सीजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिक्स होके यानी RBCs के अंदर बैठ के पूरे शरीर की ट्रेवलिंग करता है, ऐसे समझिएगा, पूरे शरीर में घूमता है ये, राइट। तो जब ये ऑक्सीजन RBCs के अंदर बैठ के जा रहा है और अगर RBCs की मात्रा कम हो जाए तो क्या ये ऑक्सीजन हमारे पूरे शरीर में सर्कुलेट कर पाएगा, ट्रेवल कर पाएगा, हमारे शरीर में ऑर्गन्स में प्रॉपर तरीके से हर एक सेल तक पहुँच पाएगा? पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी है और RBCs की कमी है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, राइट। तो सबसे पहला और जो कॉमन होता है वो होता है हीमोग्लोबिन की कमी होना, यानी कि एनीमिक पेशेंट जो होते हैं जिनमें आयरन डेफिशिएंसी मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये मोस्ट कॉमन होता है। अगर किसी मरीज को पता लगाना है कि आयरन डेफिशिएंसी है या नहीं है तो कैसे पता लगा सकते हैं, कौन से ऐसे क्लिनिकल फीचर्स होते हैं जिनकी मदद से आप पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को खून की कमी है या नहीं है? तो सिंपली आप इस तरीके से ऐसे मुट्ठी बंद कीजिएगा, ऐसे दोनों मुट्ठी बंद कीजिएगा, तेजी से जितनी ताकत आप लगा सकते हैं उतनी ताकत लगाइएगा और ऐसे खोल दीजिएगा।
अब यहाँ पर देखिएगा, ये मेरा जो पाम है, मैं आपको फिर से रिपीट बताता हूँ, ये देखिए ये कुछ देर के लिए रेड हो गया पूरा, आप देखिए ये पूरा रेड, अभी अभी भी रेड है, देखिए अभी भी रेड है, अभी भी रेड है, अब ये धीरे धीरे व्हाइट होता चला जा रहा है। तो इसका मतलब है कि खून प्रॉपर तरीके से है बॉडी के अंदर, खून प्रचुर मात्रा में है, ऐसे समझिएगा, राइट। अब मान के चलिए मैंने ऐसे दबाया और ऐसे दबाने के बाद पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जब मैंने छोड़ा तो ये पूरा वाइड है। तो अगर किसी पेशेंट को वाइट मिलता है तो उसके अंदर खून की कमी हो सकती है, उस मरीज को पीलिया भी कई बार देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये सिंपल तरीका है जो खून शरीर में चेक करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से आप खून चेक कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से एक बार एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ये पूरा लाल हो जाएगा, रेड हो जाएगा, राइट, ये पूरा लाल हो गया, ठीक है, इसका मतलब है कि खून की प्रचुर मात्रा है। दूसरा, ये आप देखेंगे मैं इस तरीके से, ये जो नीचे की लेयर है, ये नीचे की लेयर जो आपको अभी रेड दिख रही है, ये अगर खून की कमी होती है किसी भी मरीज में तो इसके अंदर जो आपको रेडनेस दिख रही है वो हल्की से पेल हो जाएगी, यानी कि सफ़ेद सफ़ेद सी देखने को मिलेगी। तो इसका सीधा मतलब है कि पेशेंट को खून की कमी है, राइट। इसके अलावा नेल्स जो होते हैं हमारे, आप देखेंगे कि नेल्स हल्के से रेड पन पे हैं, आप देखेंगे हल्के हल्का सा गुलाबी कलर, यहाँ पर पिंक कलर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन जब आप एनीमिक पेशेंट को देखेंगे, जब खून की कमी का कोई मरीज होगा, तो उस मरीज में ये वाइट हो जाएंगे, बिल्कुल सफ़ेद हो जाएंगे। और अगर कोई पीलिया का पेशेंट होगा तो ये पीले देखने को मिलेंगे आपको, राइट। तो ये सिम्टम्स होते हैं खून की कमी के, राइट। इसके अलावा जो कारण और हैं उनके कारणों के बारे में भी थोड़ा समझते हैं, फेफड़ों के कारण हैं, हार्ट डिसीजेस का कारण है, और इसके अलावा कॉमन रीजंस भी हैं। तो एक एक बारी बारी करके हम सारे कारणों को समझ लेते हैं। अगर किसी को कॉमन कफ कोल्ड है, या अगर फिजियोलॉजिकल अगर हम बात करें तो कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको डिप्रेशन होता है, एनजाइटी होती है, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको कोई फेफड़ों की इन्फेक्शन नहीं है, वोकल कॉर्ड में कोई इन्फ्लामेशन है, या हो सकता है उनको गले में कोई इन्फेक्शन है, या उनको एलर्जी जैसी दिक्कत है, या फेफड़ों की अगर बात करें तो अस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, वायरल बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे हो सकते हैं, खून की कमी हो सकती है। इसके अलावा कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें शरीर में एनर्जी का लेवल कम होने की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि एनर्जी कम होगा तब भी आपको दिक्कत होगी, ऑक्सीजन कम होने की वजह से भी ऐसा होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं होगा तो सेल्स तक आपका प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा। जब सेल्स तक प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन की वैल्यू, ऑक्सीजन की रेंज नहीं पहुंच पाएगी तो आपकी सेल्स थक जाएगी, आपकी सेल्स परेशान हो जाएगी वहां पर, राइट। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। तो कौन से सिक्वेंस वाइज अगर कारणों को समझें तो कौन से कॉज हो सकते हैं। कॉमनली जो कॉमन कारणों की बात करें तो डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, या कई बार फियर हो सकता है, फियर की वजह से भी दिक्कतें आती हैं। कई बार हो सकता है कि पेशेंट को फेफड़ों के इन्फेक्शन के अलावा गले में इन्फेक्शन हो, गले का जो वोकल कॉर्ड होता है वहां पर इन्फेक्शन हो। इसके अलावा हो सकता है पेशेंट को फेफड़ों की नली की कोई एलर्जी हो। अगर फेफड़ों की इंटरनल डिसीजेस की बात करें तो फेफड़ों में निमोनिया की शिकायत होना, फेफड़ा अस्थमा की शिकायत होना, COPD की शिकायत होना, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स होना, अस्थमा या ट्यूबरक्लोसिस की प्रॉब्लम्स होना, इन प्रॉब्लम्स की वजह से पेशेंट को सांस फूलने की दिक्कत आती है, समस्या आ सकती है। इसके अलावा हार्ट डिसीजेस की बात करें तो हार्ट डिसीजेस में क्या हो सकता है, पेशेंट को वॉल्वुलर प्रॉब्लम हो सकती है, या एक पर्टिकुलर वेंट्रिकल फेलियर हो सकता है, या हो सकता है कि पेशेंट को वॉल्वुलर डिसीजेस हो, वॉल्व खराब हो पेशेंट के, इसकी वजह से हो सकता है, या हो सकता है पेशेंट को हार्ट कंजेशन हो रहा हो, यानी कि हार्ट में ब्लड फ्लूड जो आपका ब्लड है वो भर रहा हो, ऐसी स्थिति में भी आपको ये दिक्कतें हो सकती हैं। अगर बात करें कि कैसे इससे निजात पाई जाए या कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, तो सबसे पहले एग्जैक्टली हमें पता लगाना होगा कि कारण क्या है। अगर आप कारण का एग्जैक्टली पता लगाते हैं, जैसे कि फेफड़ों का इन्फेक्शन है तो फेफड़ों के इन्फेक्शन की कुछ मेडिसिन चलेगी आपकी लगभग 15-20 दिन के लिए, या लगभग आपको 2-2 महीने तक भी दवाइयाँ खानी पड़ सकती हैं, क्योंकि अगर लंबे समय से आपको कोई प्रॉब्लम है और एकदम से अगर हम उसे ठीक करना चाहें तो पॉसिबल नहीं होगा कि वो एकदम से ठीक हो जाए। तो इसलिए लंबे समय तक आपकी दवाइयाँ चल सकती हैं, और आपको कोई वैसी प्रॉब्लम है जैसे कोई सीवियर कंडीशन है, जैसे कि कोरोना में हमने देखा तो कोविड में भी आपको ये दिक्कतें हुई थी, जैसे सांस फूलने की दिक्कत है, गले में कुछ अटका हुआ लगना, या खराश बने रहना, या गले में काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो स्टिल आपको बनी हुई थी। तो ऐसी स्थिति में हमने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट तैयार की थी, काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी,
जिनकी लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, या फिर आप यहाँ पर प्लेलिस्ट पर देख सकते हैं। सारी वीडियोस आपको अवेलेबल उस प्लेलिस्ट पर देखने को मिल जाएंगी, सारी वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी आपको। तो इस तरीके से आपको ये समस्याएं होती हैं और आप इजी तरीके से इन समस्याओं से बच सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जानकारी आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दूसरा, अगर हम बचने की कोशिश करें कि इस समस्या से हम कैसे बच सकते हैं, तो सबसे पहले एक CBC रिपोर्ट कराएं। CBC रिपोर्ट कराने से सबसे अच्छा फ़ायदा ये होगा कि आप पता लगा सकते हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे बॉडी के अंदर कितना है लैब के द्वारा। ये तो मैंने जो आपको बताया ये कॉमनली आप अपने घर पे पता लगा सकते हैं, लेकिन कन्फर्म करना हो कि खून कितना है तो आपको एक CBC करा लेना चाहिए। CBC में आपका हीमोग्लोबिन 11 पॉइंट से ऊपर होना चाहिए। अगर 11 पॉइंट से ऊपर है, 11 पॉइंट से ऊपर है, इसका मतलब है कि नॉर्मल है। 11 से 14, 13, 14 के आसपास होता है नॉर्मली। तो ये मेल फीमेल पे भी डिपेंड करता है, मेल के अंदर थोड़ा ज़्यादा होता है, फीमेल्स के अंदर थोड़ा कम होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होगी। अगर हीमोग्लोबिन आपका नॉर्मल है, 11 से 13, 14 के बीच में है, इसका मतलब है कि हीमोग्लोबिन नॉर्मल है। अगर इससे कम है तो हो सकता है कि आपको एनीमिया की वजह से ये दिक्कत हो रही हो। तो आप आयरन वाली चीज़ें खाएं, खून बढ़ाने के लिए दवाइयाँ खाएं, या फिर खून बढ़ाने के लिए हरी सब्जी वेजिटेबल्स खान पीन का आप अच्छा सेवन करें, ये सारी चीज़ कर सकते हैं। दूसरा, इसके अलावा आप अगर कोई फेफड़ों की बीमारी है तो फेफड़ों की बीमारी से आप निजात पाएं, उसका ट्रीटमेंट लें प्रॉपर तरीके से। कोई सी भी बीमारी हो, अगर आपको एंजाइटी डिप्रेशन होता है, आपको वह है, या आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम है, फियर है आपको, तो आप इन चीज़ों के लिए मेडिटेशन करें, योगा करें, जिससे कि आपका दिमाग जो है एक सही जगह पे लगे और आपको इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिले, आप इन सारी चीज़ों से दूर हो सकें। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।